आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन मनी कंप्यूटर आर इंटर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, ये कह रहा है फ्रेंड एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क जो कनेक्ट होता है उसी बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, जब कोई एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर में जुड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये दूसरा शेयरिंग द टास्क द कॉलेज इज कॉलेज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। कॉलेजों के कार्य करने में क्षमता सक्षम होता है। जैसे फ्रेंड्स आप देखते हैं कॉलेजों में कि कई कंप्यूटर रखे होते हैं जो एक दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है फ्रेंड, वही कह रहा है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। देखिए आपका आ गया डायग्राम। देखिए फ्रेंड्स नेटवर्क है फ्रेंड्स, क्यों एक कंप्यूटर जुड़ा है दूसरे कंप्यूटर तीसरे चौथे से जुड़ा होता है फ्रेंड। इसीलिए कंप्यूटर जो कॉलेज में होते हैं फ्रेंड, जो कॉलेजों में होते हैं कंप्यूटर एक दूसरे नेटवर्क से जुड़े होते हैं, उसी को दिखा रहा है फ्रेंड। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखते हैं। इट इज नोट ओवर यू डिस्ट्रीब्यूटेड। नोट विकृति अधिक उपयोग किया जाता है नोट विकृति में। ठीक है फ्रेंड, इसमें अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर द लोड टू अदर लोड। फ्रेंड जब हम कंप्यूटर चलाते हैं फ्रेंड्स तो उस पर लोड पड़ता है, जिससे शेयरिंग हर एक डाटा को ट्रांसफर करता है इंगे उसी बोलते हैं शेयर लोड टू अदर लोड। ठीक है फ्रेंड, एक दूसरे सेम लोड पड़ता है जिस कंप्यूटर को। ठीक है, और सेम नेटवर्क देता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए डिसएडवांटेज क्या कह रहा है। डिसएडवांटेज कह रहा है इट इज योर नेटवर्क स्पेड टू कम्युनिकेटेड ऑफ ऑल द कंप्यूटर बॉर्कैन। फ्रेंड्स इस नेटवर्क कभी थकता नहीं है फ्रेंड्स, वही कह रहा है। ठीक है, वो लगातार नेटवर्क प्रोवाइड करता, लगातार नेटवर्क बस स्लो हो जाता है। ये फ्रेंड्स कहने का मतलब ईट नेटवर्क पर स्लो हो जाता है, थोड़ा सा उसकी स्पीड गति कम हो जाती है फ्रेंड्स लोड पड़ने पर ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना बहुत है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टाइम थैंक यू।